गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं मॉलस्कंस के रिप्रोडक्शन को लेके डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलस्कंस के एग्जाम्पल के बारे में तो एवरी थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स अच्छा आज शेड्यूल चेंज हुआ है थोड़ा सा टाइम में चेंजेस हुआ है तो शायद कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होगी क्योंकि एक रूटीन रूटीन जो शेड्यूल होता है ना वही बेसिकली हमारे दिमाग में फीड हो जाता है ठीक है तो हम बात करते हैं बेटा रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्पल्स तो मोलस्कंस के बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हम सबको लेके बात करेंगे उनमें कौन कौन से इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे बेटा बेटा ठीक है तो नाउ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन। रिपोडक्शन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है थोड़ा उसको लेके बात कर लेते हैं स्टूडेंट ठीक है ना देखिए बेटा जनरली अपन देखें बॉलसंस के रिगार्डिंग बात करें तो अपन क्या देखते हैं मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं तो बेटा इसमें देखिए आप हम क्या देखते हैं जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होगा डायोसियस मतलब क्या होता है मेल सेपरेट होता है फीमेल सेपरेट होता है ठीक है बट कुछ मेंबर ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बाई भी हो सकते हैं ठीक है बट फ्यू आर बाई सेक्सुअल बाइसेक्सुअल मीन्स क्या हो जाएगा बेटा मोनोसियस लिख देता हूँ यहाँ पे ये तो पता है ये नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि एक ही सिंगल इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब इसके बाद अपन देखते हैं बेटा ये जनरली यूजुअली ओबी होते हैं मतलब अंडे देने वाले होते हैं ये ये बेसिकली कैसे होते हैं बेटा ओबी पैरस होते हैं मतलब एग ले बेटा यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है इसमें कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कि बच्चे देते हैं पर एक दो एग्जांपल इसलिए हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होता है फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग देखें फर्टिलाइजेशन पता है ना आपको फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन फर्टिलाइजेशन तो यहां पे हम देखते हैं कि बेटा आपको यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा और आपको यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है जरा समझिए बेटा यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है इंडिविजुअल की जो बॉडी है उसके बाहर आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है तो बेटा ये कौन सा फर्टिलाइजेशन हो गया ये हो गया बेटा एक्सटर्नल यदि बॉडी के बाहर हो रहा है तो यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये कौन सा हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है बट 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 यहाँ पर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा पॉपुलर है यदि ऑप्शन नहीं दिया हो पूछा गया हो कि मोलस्क में कौन सा जो है फर्टिलाइजेशन होता है देन योर आंसर विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो याद रखने का यूजली इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोर कॉमन ये ज़्यादा कॉमन होता है ठीक है कौन सा वाला बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है तो ये क्लियर हो गया समझ में आ गया स्टूडेंट्स तो इसमें तो कोई टेंशन रखो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स अब बात करें इसके डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें तो डेवलपमेंट को देख लेते हैं बेटा देखिए मोस्टली अपन क्या देखते हैं कि इसमें डेवलपमेंट एक्चुअली एक्स यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है मतलब इसमें कोई भी चीज़ फिक्स है ही नहीं बेटा ये बहुत बड़ा फाइलम है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ना तो यहां पे आपको ढेर सारे एक्सेप्शन मिलेंगे अच्छा डेवलपमेंट में आप देखेंगे डेवलपमेंट बेटा यहां पे आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है और डेवलपमेंट बेटा आपको यहां पर इनडायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है पर मोर कॉमन कौन सा है इनडायरेक्ट ये बेटा ज्यादा कॉमन है दीज आर द मोर कॉमन क्लियर हो गया समझ में आ गया बेटा आपको ठीक है अब यहां पर कई तरह की लार्वा जो लार्वा देखने को मिलते हैं ना उनके कई ढेर सारे नाम देखने को मिलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर जो कॉमन जो लार्वा आपको देखने को मिलेगा डेट विल बी ट्रोकोफोर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा इसके पहले कहाँ देखा था जरा बताओ नहीं तो देखो आपकी मेमोरी कैसी है तो आपको बेटा यहाँ पे जो लार्वा देखने को मिलेंगे लार्वा कई देखने को मिल सकते हैं जैसे कि ट्रोकोफोर लार्वा ये कहा देखा था ट्रोकोफोर लार्वा याद करो एनीडा में या सेट किसने बताया यस करण बहुत अच्छा बेटा तो एनिडा में ट्रोकोफुल लार्वा आपने देखा था नैरिस के अंदर यहां पर भी आप देखेंगे कि अधिकांश मॉलस्कंस में जिनमें कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है आपको जनरली कौन सा लार्वा देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे ट्रोकोफुल लार्वा देखने को मिलेगा बट कुछ अलग अलग एनिमल में आपको अलग अलग टाइप के लार्वा देखने को मिल सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको एक वेलीजल लार्वा भी देखने को मिल सकता है ये नाम है बेटा ये वेलीजल जो लार्वा देखने को मिलता है ना ये लार्वा आपको देखने को मिल सकता है कहाँ पे पायला के अंदर तो पायला में आपको वेलीजल लार्वा देखने को मिल सकता है इसके अलावा यूनियो पायला मतलब पता है ना आपको पायला को क्या बोलते हैं आप गूगल गाय बोलते हैं ना मराठी में तो उसके बाद बेटा हम बात करें ग्लूचिडियम लार्वा करके एक लार्वा देखने को मिलता है बेटा ये पैरासाइटिक लार्वा है ये पैरासाइटिक लार्वा है किसके ऊपर पैरासाइट होता है बेटा ये ये पैरासाइट होता है मछलियों के ऊपर पैरासाइट ऑन फिशेस बटा तो ये ग्लुचेडियम जो लार्वा होता है ये लार्वा आपको देखने को मिलता है कहां पे यूनियो के अंदर यूनियो को क्या बोलते हैं मराठी में अपन लोग ए, सिंपले बोलते हैं ना शायद ठीक है तो उसमें आपको ये लार्वा देखने को मिलता है क्लियर कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है ठीक तो ये हो गया हमने बात कर ली लार्वा के बारे में मतलब ये फाइल हम तो अपन ने पूरा पढ़ लिया अब बात करेंगे बेटा हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में तो इसके एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं, थोड़ा उनको देखते बेटा ठीक है ठीक है तो ये जो मैंने जनरल जो कैरेक्टर डिस्कस किए हैं ईच एंड एवरी कैरेक्टर आपको समझ में आ गया कोई डाउट यदि किसी कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो आपको समझ में नहीं आया है तो फटाफट मेरे को पूछिए मैं आपको उसका फटाफट सोल्यूशन बता देता हूँ ठीक है तो जितने भी मैंने बताए एवरीथिंग बिकम क्लियर सब कुछ समझ में आ गया बेटा आपको ठीक है तो बेटा अब हम इसके एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करें ठीक है तो बेटा अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं तो उनको देखते हैं ठीक है बेटा तो इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में पायला के बारे में बात करते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डेट पायला तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है पायला ठीक है ये पायला कैसा होता है तो मैं बताता हूँ इसको इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो क्या है इसका वो है इसको हम एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं ठीक है तो इसे हम एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं अब ये पायला होता कैसा है जरा बेटा इसे देख लेते हैं बेटा तो देखिए पायला आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा एक रफ़ डायग्राम बना लेते हैं ज़्यादा अच्छे डायग्राम मेरे नहीं है देखिए कुछ ऐसा एनिमल होता है पायला ये बेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है बेटा ठीक है इसके ऊपर आउटर साइड में क्या है शेल है इसका आउटर शेल है बेटा ये ठीक है इसके बाद जो है एक यहाँ पे ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे अपनी बॉडी को जो है अंदर ट्रैप करके रखता है इसे हम बोलते हैं ओपर कुलम इसे बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा ओपर कुलम के नाम से जानते हैं इसके जो शेल होता है उसके ऊपर आपको लाइन ऑफ आप ग्रोथ देखने को मिलती हैं बेटा लाइन ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है बेटा ये आपको सेचर्स से देखने को मिलेंगे कट के निशान जैसे देखने को मिलेंगे आपको ठीक है तो ये ऐसा होता है बेटा पायला अब पायला के बारे में हम कुछ बात करते हैं बेटा ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बेटा तो यदि ये, ये, ये एक्चुअली पायला जो होता है बेटा फ्रेश वाटर सोर्सेस में प्रेजेंट होता है ये आपको दिखाई देगा ये आपको कांका देखने को मिलेगा पॉन्ड्स में देखने को मिलेगा तालाब के अंदर देखने को मिलेगा उसके बाद बेटा ये आपको ए, रिवर्स में भी देखने को मिल सकता है किसी भी तरह की कोई भी जो है बेटा बहते हुए पानी के सोर्सेस में देखने को मिल सकता है ये कोई दबदबा हो गया वहाँ देखने को मिल सकता है बेटा ये जो राइस का जो खेत होता है वहां पे देखने को मिल सकता है तो बेटा ये से हो गए जहाँ पे बेटा ये देखने को मिलता है अब ये होता कैसा है बेटा ये ये जनरली बेटा ये हार्वेसियस होता है मतलब शाकाहारी होता है शुद्ध ये हार्वी बोरस होता है बेटा ठीक है बेसिकली जो ग्रीन एल्गी होती है प्लांट के सॉरी सॉरी जो ग्रीन एल्गी होती है जो बॉटम में लगी हुई रहती हैं उनको खाता है इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि पिस्टिया हो गया एरिया जैसे प्लांट्स हो गए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको बेटा ये फीड करता है उनको खाता है बेटा ये ठीक है इसमें जो रेस्पिरेशन होता है बेटा वो कहाँ से होता है ये हाँ रेस्पिरेशन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बेटा ये लैंड पे भी रहता है पानी में भी रहता है बेटा जब ये लैंड पे है उस समय इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है मतलब लंग से रेस्पिरेशन करता है ये जब ये वाटर के अंदर रहता है उस समय बेटा ये गिल से रेस्पिरेशन करता है रेस्पिरेशन किससे करता है बेटा उस समय ये गिल से करता है ठीक है बेटा मतलब आप देखेंगे बेटा ये दोनों तरह की लाइफ के लिए अडोप्टेड है हर मतलब एक्वेटिक लाइफ के लिए भी अडोप्टेड है बेटा ये और टेरिस्ट्रियल लाइफ के लिए भी जो है बेटा एडोप्टेड है ठीक है अब बेटा आप देखेंगे कि इसमें ऑस्फेरेडियम प्रेजेंट होता है

इसके अलावा बेटा कई जगह दुनिया में इसे खाया भी जाता है ठीक है ये एक बहुत अच्छी डिश मानी जाती है खाने की हमारे इंडिया में नहीं खाते हैं पर हमारे इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है तो वहाँ पर इसको खाया जाता है इसके अलावा इसको वियतनाम में कम्बोडिया में चाइना में कोरिया में इसे खाया जाता है ठीक है तो पायला आई थिंक डेट आपको समझ में आ गया होगा बेटा पायला क्या होता है कैसा होता है एवरीथिंग बिकम क्लियर सब कुछ समझ में आ गया बेटा पायला के बारे में देर नो एनी कन्फ्यूजन कोई कन्फ्यूजन न को ठीक है अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में ठीक है तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हाँ जी तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब क्या लें इसके बाद ठीक है। इसके बाद बेटा हम एक एनिमल लेते हैं डेट इज चिटॉन चिटोप्लूरा के नाम से भी जानते हैं बेटा इसको ये एनिमल कैसा है पहले इसको देख लेते हैं बेटा ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है बेटा इसका आ, ये ने ने दो के से लिख दिया एक्चुअली इसका जो सही नाम है बेटा वो है चीटो प्लूरा इसका जो सही नाम बेटा वो क्या है चीटो प्लूरा यस, yes. बेटा इसका जो कॉमन नेम है इसे चिटोन बोलते हैं लोग ठीक है साइंटिफिक नेम क्या बताया मैंने प्लूरा ठीक है इसके अलावा बेटा इसे हम कॉमन नेम इसका एक और है वो है बेटा इसका कॉस्ट ऑफ मेल सेल सॉरी कोट ऑफ मेल सेल भी बोलते हैं इसको या इसे जो है सी बीफ भी बोला जाता है ठीक है सी बीफ क्यों बोला जाता है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बीफ की जैसा होता है इसलिए इसे सी बीफ के नाम से भी जानते हैं किसे चीटो फ्लोरा के को जानते हैं ठीक है क्लियर हो गया बेटा अब ये एनिमल होता कैसा है थोड़ा इसको देख लेते बेटा अब बेटा इस एनिमल के रिगार्डिंग बात करें तो आप देखेंगे कि भाई इसमें क्या है कि इसकी जो बॉडी होती है इसमें एक आपको अंडे जैसे आकार का जो है एक मेंटल देखने को मिलेगा ऐसा ये समुद्री एनिमल है ये मरीन एनिमल है एक ठीक है अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है बेटा आपको एट शेल दिखाई देंगे अरेंजमेंटल के अंदर की साइड में कुछ इस तरह से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितने हो गए वन टू थ्री फोर सिक्स एक ज्यादा हो गया रे हाँ सेवन और एट ठीक हाँ बेटा अब इसमें क्या होता है बेटा ये मरीन एनिमल होता है बेटा और इसका जो शैल होता है ना वो एट प्लेट से मिलकर बना होता है ये क्या है बेटा इसका शैल इसका शैल है ये किससे बना है बेटा ये प्लेट कैसी होती है मूवेबल होती है बेटा ये प्लेट कैसी होती है मूवेबल होती है और इसके बाहर आप देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है मेंटल एज दिख रहा है बेटा ये आपको ठीक है इस तरह का बेटा ये होता है ठीक है अब बेटा इसमें एक्चुअली क्या होता है बेटा बेसिकली ये सी बॉटम में देखने को मिलता है बेटा ये कैसा एनिमल है मरीन एनिमल है और पुराने जमाने में बेटा हमारे पेसिफिक ओसिन की जो आइलैंड्स हैं वहां की ट्राइब्स बेटा इसकी जो शेल को एज ए करेंसी यूज किया करती थी ठीक है इसलिए बेटा इसका जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया कोर्ट ऑफ मेल्स शेल पड़ गया ये खाने में बेटा ये एनिमल एडिबल एनिमल है इसे खाया जाता है लोग खाते हैं इसको इसका जो स्वाद होता है बेटा वो एक तरह बीफ की तरह होता है तो बेटा इसको हम जो है सी बीफ के नाम से भी जानते हैं बेटा क्लियर हो गया बेटा और बेसिकली बेटा एक क्या होता है बेटा रॉक से चिपका हुआ देखने को मिल जाएगा आपको समुद्र के अंदर ये समुद्र के अंदर बेटा आपको रॉक से चिपका हुआ देखने को मिल जाएगा कौन सा एनिमल चीटो चीटो प्लूरा या चीटोम क्लियर हो गया बेटा समझ में आ गया इसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर क्या है जिसका जो शेल होता है बेटा वो एट मूवेबल प्लेट से मिलकर बना होता है अच्छा आपने जैसे मिलीपीट को देखा होगा फाइलम फाइलोडा मिलीपीट के बारे में पढ़ाना क्या नाम बताया था आपने मिलीपीट का मराठी नाम तो जैसे मिलीपीट को आप टच करते हैं ना तो एकदम कॉइल हो जाता है बेटा वो पूरा एकदम जलेबी की तरह हो जाता है इसी को एनिमल को भी यदि आप टच करेंगे तो ये एनिमल भी इसी तरह से कॉइल हो जाता है बेटा ठीक है क्योंकि इसकी ये जो जो शेल जो है वो कैसे है मूवेबल है पूरा कोयल हो जाता है इसके शेल बाहर की साइड में आ जाते हैं जिससे कि इसको प्रोटेक्शन मिलता है एक तरह से आई थिंक डेट आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया बेटा कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इसको लेके ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे चलिए ठीक है इसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल अब कौन सा एनिमल डिस्कस करें अच्छा पैसा बोलते हैं मराठी में ओके 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 ठीक है अब नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है आप एग्जाम्पल बताते जाइए अपन उसको डिस्कस करते जाइए ठीक है थीके? तो आई थिंक डेट अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले है। ले लेते हैं ठीक है सी आप लोगों की बहुत क्यूरियसिटी है ना ऑस्टर को लेकर ठीक है हम को ही ले लेकर डिस्कस करते हैं ठीक है ऑस्टर तो थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे पर्ल ऑस्टर ऑस्टर का जो साइंटिफिक नेम है वो पिंक टाड़ा है ठीक है कॉमन नेम बेटा इसका क्या है कॉमन नेम बेटा इसका पल ऑस्टर ठीक है तो मोती वाली शिम्पले यही बोलना चाहिए मराठी में इसको ठीक है बेटा ये कैसे होते हैं ज़रा इसे देखते हैं बेटा देखिए बेटा ये जो एनिमल देखिए किस तरह का दिखाई देता है ये एनिमल कुछ इस तरह का दिखाई देगा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है बेटा ये एनिमल पालोस्टर एनिमल ठीक है ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना दो बेटा पालोस्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसके पहले आपको एक दो तीन बातें बता दूं बेटा मैं आपको बेटा पालोस्टर जो होता है बेटा ये बेसिकली आपको जो है जापान का जो एरिया है पेसिफिक ओसिन के आसपास का एरिया है वहाँ पे बेटा इसका कल्टीवेशन किया जाता है मतलब पल कल्चर जो है बेटा आपको वहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है तो बेटा एक्चुअली ये जो एनिमल होता है हमारा पल ऑस्टर ठीक है तो ये एक एक्चुअली सिंपल फैमिली से आता है मतलब एक तरह की बेटा ये क्या है सिंपले है एक तरह के। कुछ इस तरह की इसकी बॉडी होगी साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखाई देगी बॉडी ठीक बाहर से रफ सरफेस होती है अंदर से आपको इसकी सरफेस देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम ब्राइट दिखाई दे रही सिंपली में भी तो आपने ये देखा है ना बाहर से सरफेस एकदम गंदी सी दिखाई देती दे दे है ना बेटा बेकार सी दिखाई देती दे है हाँ अंदर से देखेंगे तो आपको इसकी सरफेस जो है थोड़ी सी एकदम ब्राइट दिखाई देगी दे अब इसको जब ओपन करके देखते हैं तो आप देखिए जब ओपन करके देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये एक मिनट अंदर से एकदम ऐसा ब्राइट दिखाई देता है बेटा ये और इसमें आपको मोती पल भी देखने को मिलेगा ठीक है तो ये ऐसा होता है बेटा पालोस्टर ठीक है अब बेटा एक्चुअली इसकी बॉडी कैसी क्या होती है इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं फटाफट इसको देख लेते बेटा ये देखिए बेटा इसका जो शेल आप देख पाएंगे तो आप देखेंगे बेटा कि जो पल ऑस्टर होती है इसका जो शेल होता है ये दो एक्चुअली दो एक्चुअली बेटा दो इसमें प्लेट से मिलकर बना होता है इसलिए बेटा इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा इसे बाय इसे बेटा हम बाइव के नाम से जानते हैं बेटा तो अपन क्या देखते हैं कि शैल मेड बाय टू प्लेट आपने जितने भी सिंपले देखे ना आपने क्या देखा उनका जो शेल होता है बेटा दो प्लेट से मिलके बना हुआ है ना बेटा वो इसका भी शेल जो है दो प्लेट से मिलके बना होता है इसलिए से अपन क्या बोलेंगे वाई वेलविया के नाम से जानते हैं इसको ठीक है बेटा आप देखेंगे कि मोस्टली बेटा ये मरीन होते हैं ये कैसे देखने को मिलते हैं बेटा ये आपको मरीन देखने को मिलते हैं उसके बाद बेटा आप देखेंगे कि इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है प्रश्न ये उठता है कि इन, इनके अंदर जो मोती का जो फॉर्मेशन कैसे होता है पर्ल का फॉर्मेशन इनके अंदर कैसे होता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनामिना है तो बेटा मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूं एक्चुअली किस तरह से मोती का फॉर्मेशन होता है बेटा देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेटा आप देखेंगे कि जैसे आ, जैसे बेटा आप देखेंगे इसमें आंखों में देख देख आप जैसे मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं मार्केट में और मान लीजिए आपकी आंख के अंदर कोई कंकड़ चला गया कोई पत्थर चला गया बारिक सा तो उससे आपकी आंख में इरिटेशन होता है ना कुछ समय के बाद जब वो बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा ना कि जो म्यूकस से पूरा कोटेड होकर बाहर निकलता है ना उसके ऊपर पूरा आंख का जो कीचड़ होता है उसके ऊपर कोटेड हो जाता है उससे फिर वो बाहर निकलता है ठीक है तो बेटा एक्चुअली में पल बनने की जो प्रोसेस होती है बेटा वो कुछ इस तरह की होती है कैसे क्या होती है बेटा मैं आपको बताता हूँ अब एक्चुअली क्या हुआ बेटा देखिए जैसे हाँ, इनकी बॉडी के अंदर कोई भी मान लीजिए स्टोन पार्टिकल चला गया तो कोई भी स्टोन पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर चला गया जैसे मान लीजिए ये कोई स्टोन पार्टिकल है वो इनकी बॉडी के अंदर चला गया सिम्पले की बॉडी के अंदर चला गया अब अपन क्या देखते हैं बेटा कि सिंपले जो क्या करती हैं एक्चुअली हमारी पालोस्टर क्या करते हैं कि ये उनको इरिटेट करेगा बेटा ये पार्टिकल उनकी सॉफ्ट बॉडी ये नहीं वाले, तो इसलिए बेटा उनको इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ये क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक स्मूथी लेयर डेवलप करेंगे तो शेल ग्लैंड क्या करती है इसके ऊपर एक स्मूथी लेयर डेवलप करती है तो आपने देखा ना सिंपले अंदर से चमकदार होती है ना एकदम चमकीली दिखाई देती है तो अंदर वाला जो चमकीला लेयर होता है ना इसी तरह का लेयर जो है बेटा ये पर्ल के ऊपर ड्रॉ करते हैं पर्ल के ऊपर बेटा बनाते हैं मतलब जो भी हमने स्टोन पार्टिकल पर्ल की बॉडी में जो भी स्टोन पार्टिकल गया है ना उसके ऊपर ये क्या करेंगे कि चमकीला एक लेयर इसके ऊपर डेवलप करेंगे जो शेल ग्लैंड हैं मेंटल में क्या होते हैं कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि मेंटल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं शेल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि आप डेवलप करते हैं शेल प्रोड्यूस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है बेटा एक चमकीला जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर इन्होंने फॉरेन पार्टिकल के ऊपर डेवलप कर लिया है तो अपन ने क्या किया बेटा या इनकी बॉडी में एक्सीडेंटली क्या हुआ कोई भी फॉरेन पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर चला गया ठीक है तो कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर चला गया कुछ भी हो सकता है सेंड पार्टिकल हो सकता है अभी वो क्या करेगा बेटा यहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा क्या करेगा बेटा वो इरिटेशन कॉज करेगा तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे ये उसके ऊपर जो है एक म्यू एक जो है शेल का एक लेयर डेवलप कर लेंगे शेल का ये जो लेयर होगा इसे हम बोलेंगे नेक्रे क्या बोलेंगे बेटा इसको हम नेक्रे के नाम से जानेंगे ठीक है तो आप देखिए ना आपने मोती का कलर देखा होगा तो सिंपली के अंदर का जैसे चमकीला लेयर होता है ना उसी तरह का जो है कोटिंग किसके ऊपर दिखाई देता है आपको पर्ल के ऊपर दिखाई देता है ना ठीक है तो बेटा इस तरह से क्या होता है पर्ल होता है. क्या होता है बेटा इस तरह से पर्ल फॉर्मेशन होता है अब बेटा एक्चुअली पर्ल को डेवलप करने की जो टेक्निक होती है इस टेक्निक को बोला जाता है पर्ल कल्चर बेटा ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ जापान बेटा ये जापान की बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है अब जापान में क्या किया जाता है जरा देखिए ऋतुराज उस पार्टिकल का शेप कैसा होना चाहिए कैसा भी शेप हो सकता है देर नो एनी इश्यू आपकी आंख के अंदर कोई भी पार्टिकल जाता है तो उसका कोई शेप फिक्स होता है क्या नहीं पर आपकी आंख के अंदर कुछ समय तक रहेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा ये कीचड़ उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगा उसके ऊपर म्यूकस का एक कोटिंग डेवलप हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद जब सो के आप जगते हो या दो तीन घंटे बाद जब भी वो बाहर आता है या कोई इंसेक्ट आपके आंख के अंदर चला गया बिल्कुल बारीक सा इंसेक्ट चला गया आपके आंख के अंदर जो बाहर निकलता है तो आप देखते हैं पूरा का पूरा वो मेकस से कोटेड होकर निकलता है ऐसा तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है तो शिमपरे के अंदर जो चमकीला जो लेयर होता है शीप के अंदर उसी तरह का चमकीला लेयर जो है बेटा वो फॉरेन पार्टिकल के ऊपर डेवलप कर लेते हैं तो देखिए शिम्पड़े के अंदर के जो चमकीला पोर्शन और पल के ऊपर का जो चमकीला पोर्शन आपने देखा होगा साइनिंग पोर्शन देखा होगा दोनों आपको एक जैसे दिखाई देता है ठीक है अब जापान में करते क्या है जापान में क्या करेंगे बेटा कि ढेर सारे बेटा जो यंग एक्चुअली बेटा वहाँ पे क्या किया जाते हैं कि जो पल कल्चर के लिए जो हमारे पल ऑस्टर हैं पल ऑस्टर के जो अंडे जो होते हैं इनसे जो है बेटा यंग जो है बेटा जो शिमपले होते हैं ठीक है ये बनते हैं अब जापान में क्या किया जाएगा बेटा ये जो यंग शिपले होंगे यंग हमारे जो पल ऑस्टर होंगे इनके अंदर क्या किया जाएगा कोई सैंड पार्टिकल डाला जाता है सबके अंदर दो दो तीन तीन सैंड पार्टिकल डालते हैं और सैंड पार्टिकल डालने के बाद में इन यंग जो है जो पल ऑस्टर होते हैं इन पल ऑस्टर को क्या किया जाता है आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने हॉस्टल लिख दिया बेटा जनरली हम बोलचाल की लैंग्वेज में बाई विलविया का वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है तो पल हॉस्टल यंग हमने पल हॉस्टल लिए उनके अंदर हमने सैंड के पार्टिकल डाल दिए एक एक दो दो तीन दिन और उनको लोहे के बड़े बड़े कैस के अंदर पिंजरों के अंदर लेकर उसको समुद्र में डाल दिया जाता है यहाँ पर हम बराबर उनकी देख करते हैं जो तो करीबन जो है एक दो साल तक उनको समुद्र में इस तरह से रखा जाता है और फिर उसके बाद जो है उन पिंजरों को जो कैज होते हैं उनको समुद्र से बाहर निकाला जाता है उनमें जो ऑस्टर होते हैं उनको ओपन किया जाता है ओपन करने पर उनके अंदर से पर्ल भी निकलता है और इन ऑस्टर को खाने के काम में भी लिया जाता है तो देखिए बेटा ऑस्टर को भी खाया जा रहा है उसके अंदर का जो पर्ल है उसको भी यूटिलाइज किया जा रहा है ना तो देखो कितना अच्छा काम हो गया ना आम के आम और कुठलियों के दाम ठीक है आप में से कुछ बच्चों के डाउट से मैं डरा डाउट देख लेता हूँ मैंने डाउट ही नहीं देख पाया मैंने पूरा बोर्ड की तरफ था अच्छा ठीक है इसके बाद क्या डाउट है सर यस बेटा जब भी पल को बाहर निकाला जाता है तो ऑस्टर की मौत हो जाती है बट एक बात याद रखिए जब तक ऑस्टर बूढ़ा भी हो जाता है ओल्ड भी हो जाता है फिर उसमें इतनी औकात नहीं होती कि वो दोबारा से जो है पर फॉर्मेशन कर सके इसलिए ऑस्टर को भी खा लिया जाता है पल भी लिया जाता है और ऑस्टर को भी खा लिया जाता है डबल फायदा हो गया ना ठीक है अब दूध समझ में आया बेटा आपको अब उसके बाद सृष्टि क्या बोलती है सर कोटिंग बेटा कोटिंग की वजह से क्या होता है कि जो भी हमने पार्टिकल पार्टिकल डाला है उसका शेप इस्पेरिकल हो जाएगा क्योंकि इस्पेरिकल शेप की वजह से जो है एनिमल को कहीं से कोई भी इरिटेशन नहीं होगा ठीक है तो पर जनरली कैसे हो जाते हैं स्पेरिकल हो जाते हैं या शेप हो जाते हैं ठीक है ठेके? और और क्या हाँ बेटा पर जनरली वाइट कलर के ही होते हैं कई बार कुछ इम्प्यूरिटी की वजह से या फिर इसकी सब स्पीसीज होती हैं बेटा पिंक टाडा के तो अलग अलग टाइप की सब स्पीसीज कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलरफुल पल भी प्रोड्यूस करती हैं तो पल बेटा नॉर्मल भी हो सकते हैं कलरफुल भी हो सकते हैं ठीक है ठेके? ये क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया बेटा समझ में आ गया अच्छा राज का क्या डाउट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा होता है याद रखने का कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा होता है वो हो गया कौन सा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे फ्रॉग में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में आठवीं क्लास में कि फ्रॉग का जब डेवलपमेंट तो होता, होता है तो वहाँ पे टैटपो लार्वा होता है मॉस्किटो का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे भी एक लार्वा होता है या सिल्क वर्म का जब डेवलपमेंट होता है तो सिल्क वर्म में भी आपने कैटरपिलर करके लार्वा देखा होगा तो कोई भी एनिमल जिसके डेवलपमेंट में आपको एक लार्वा दिख रहा है उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कोई लार्वा फारवा नहीं दिख रहा आपको जैसे ह्यूमन बींग में देखो ऐसा थोड़ी नहीं होता कि बच्चे पैदा हुए उसके बाद दस साल तक वो लार्वा फॉर्म में रहेंगे फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉनोसिस ऐसा देखने को थोड़ी नहीं मिलता ना तो ऐसा कोई भी डेवलपमेंट जिसमें लार्वा देखने को नहीं मिलता उस डेवलपमेंट को अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं ये हो गया क्लियर ओके ओके अमृतराज बहुत अच्छा बेटा तो कोकीची मिक्की मातो को जो है फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री बोला जाता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में बेटा बेटा जापान में एक जगह है जिसका नाम है टोवा तो वहाँ पर एक फिशरमैन थे फिश पकड़ने वाले एक पर्सन थे इनका नाम था कोकी मिकी मोटो ये जिस गांव के थे वो गांव था कौन सा टोबा तो बेटा टोबा के जो है कॉकीची मिकी मातो इनको बोला जाता है फादर ऑफ पाल इंडस्ट्री क्लियर हो गया कोई कन्फ्यूजन न को ठीक है तो बेटा अब इसके बाद बेटा हम जाते हैं अब आगे डिस्कस करेंगे दृष्टि डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि लार्वा ऑबसेंट मैं बता देता हूं डेवलपमेंट दो टाइप का देखने को मिलता है पहला होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है लार्वा प्रेजेंट होता है डायरेक्ट में क्या होता है लार्वा स्टेज अपसेंट लार्वा स्टेज क्या होते हैं बेटा अपसेंट होते हैं लार्वा प्रेजेंट मतलब ये देखा होगा ना आपने मोटे मोटे तौर पे कहाँ पे फ्रॉग में लार्वा प्रेजेंट है ना टैडपोर लार्वा बना फिर एडल्ट बना तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो गया इनडायरेक्ट हाँ लार्वा ऑबसेंट है तो डेवलपमेंट कैसा हो गया डायरेक्ट जैसे ह्यूमन बींग में देखो ना ह्यूमन बींग में कोई लार्वा फारवा थोड़ी नहीं होता कि कोई बच्चा जो है दस बारह साल तक लार्वा में रहेगा फिर एडल्ट में कन्वर्ट होगा ठीक है तो एक्चुअली एनिमल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो दो तरह का देखने को मिलता है एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा कौन सा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इट बिकम क्लियर समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं इसमें चलेगा ठीक है तो बहुत अच्छा गायत्री करण बहुत अच्छा डायरेक्ट स्टेज में क्या होता है लार्वा ऑब्सेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट बस अभी फ़िलहाल इतना ही याद का फिर बाकी अपन और बाद में डिस्कस करेंगे समय समय पर क्लियर हो गया ठीक है अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कई बार एक बार कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि केमिकली पर्ल होता है क्या है तो ये जो चमकीला लेयर है मोती का पर्ल का वो क्या है नेकरे और केमिकली नेकरे क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या होता है बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अलावा इसमें कुछ इम्प्यूरिटी होती है जिसकी वजह से उसमें शाइनिंग डेवलप होती है ठीक है पर रफली क्या होगा बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट ही जो होगा जितने भी हमारे स्नेल होते हैं सिम्पले होते हैं उनके जो कवरिंग होते हैं वो सब क्या होते हैं किसे कैल्शियम कार्बोनेटिज होते हैं क्लियर हो गया बेटा समझ में आ गया सभी बच्चों को चलिए ठीक है अब इसके बाद बेटा मैं अब आगे मूव करता हूँ तो बेटा इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल डैट इज पायला डिस्कस कर लिया अपन ने पिंक टाटा डिस्कस कर लिया अब इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में ऑक्टोपस के बारे में बात करेंगे ठीक है ऑक्टोपस इज नोन एज द डेविल फिश कॉमन नेम क्या है इसका डेविल फिश तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है इज द तो ऑक्टोपस ऑक्टोपस बेटा ऑक्टोपस का कॉमन नेम क्या है डेविल फिश ठीक है इसका यदि हम डायरेक्ट हिंदी में अनुवाद करें ट्रांसलेशन करें तो क्या होता है इसे हम शैतान मछली के नाम से जानते हैं ठीक है ये डायरेक्ट इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया एक्चुअली बेटा ऑक्टोपस कैसा होता है ज़रा देखिए ऑक्टोपस जो है बेटा इसका नाम ऑक्टोपस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है बेटा उसमें आप देखेंगे कि उसमें इसमें सिक्स सॉरी उसमें एट लेग होते हैं और एट लेग की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है ऑक्टोपस ठीक तो है तो अब देखते हैं बेटा ऑक्टोपस की बॉडी कैसी है तो ऑक्टोपस की बॉडी ये बार बार अपना शेप चेंज करता रहता है तो इसका कोई फिक्स बॉडी तो हम नहीं बोल सकते कैसा होगा ठीक है और ऊपर ये इस तरह की इसकी आर्म्स मैं कितनी भी बनाऊं आप ये मान के चलो कि इसमें एट आर्म्स होते हैं मैं इसे अंदाज से बना देता ठीक है तो ऑक्टोपस एक्चुअली इस तरह का होता है क्लियर चलो ठीक है तो अब ऑक्टोपस के बारे में बेटा डिस्कस करें ये तो ए, उक, पिंक टाड़ा क्लियर हो गया समझ में आ गया बेटा पिंक टाड़ा में तो कोई प्रॉब्लम ना को ठीक है तो बेटा अब हम आ जाते हैं कहाँ पर ऑक्टोपस में ठीक है कैसा क्या है ये एनिमल देखते हैं इसको बहुत ही मज़ेदार एनिमल है बेटा ऑक्टोपस तो ठीक तो इसमें हाँ कितनी आम प्रेजेंट बेटा इसमें एट आम प्रेजेंट याद रखने का इसमें एट आम प्रेजेंट होते ठीक है उसके बाद इसमें जो शैल होता है वो इसके अंदर क्या होता है अपसेंट होता है बेटा इसकी डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के अंदर जो इसका जो साइज होता है बेटा वो वेरिएबल होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साइज होता है ठीक है क्लियर ठीक उसके बाद इसकी जो आर्म्स होती है उसमें शकर प्रेजेंट होते हैं जिससे वो एनिमल को पकड़ता है तो शकर प्रेजेंट इन आर्म्स आर्म्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा शक्र्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है क्लियर हो गया बेटा समझ में आ गया ठीक अब इसके बाद बेटा इसमें और क्या बात हां इसमें बेटा एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इंग्लैंड प्रेजेंट होती है ठीक है ओके और यहां पे जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट सर्कुलेशन बेटा क्लोज टाइम ठीक है आप बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं बेटा एक्चुअली जरा समझिए बेटा यहाँ पे एक्चुअली है क्या बेटा ये ऑप्टोपस जो है इसका जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है बेटा कुछ मिलीमीटर से लेकर इसका साइज कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है ठीक है ये नॉर्मल भी हो सकते हैं कुछ कुछ बेटा पॉइजनस भी होते हैं जैसे कि ब्लू लाइन ऑक्टोपस बहुत ही जहरीला होता है बेटा ये ठीक है इसमें सेल, सबसेंट है। सेल नहीं है तो ये बार बार अपना शेप चेंज कर लेता है बेटा और शेप चेंज करके अपने आप को सराउंडिंग के अंदर छुपा सकता है मास्क कर सकता है अपने आप को ठीक है ये इसकी विशेषता होती है ये बार बार बेटा अपना शेप चेंज कर लेता है जितने भी इनवर्टिवेट एनिमल है याद रखने का कि उनमें सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट एनिमल सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल इन्वर्टिबेट एनिमल के अंदर कौन होता है ऑक्टोपस होता है ठीक है अच्छा बेटा अब इसमें एक्चुअली क्या है बेटा इसमें प्रोटेक्शन के कई तरीके होते हैं इसके पास चूँकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो जब भी कोई इनेमी इसके पास आता है तो बेटा ये क्या करता है अपने इनेमी को डराने की कोशिश करता है अब मान लीजिए देखिए एनेमी बहुत ही बेशरम है डराने से नहीं डर रहा तो फिर क्या करेगा ये ये बेटा अपना शेप चेंज कर लेता है सराउंडिंग में एकदम फ्लैट हो जाएगा सराउंडिंग के तरफ अपने छुपा लेगा ताकि एनिमी इसको देख नहीं पाए अच्छा एनिमी तो भी इसके पीछे पड़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा बेश्रम एनिमी है तो क्या करेगा बेटा ये ये पानी के अंदर इंक को इंक ग्लैंड से इंक छोड़ देता है ये ब्लू कलर का डार्क ब्लू कलर का ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है इसमें थोड़े से न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जिससे एनिमी को पैरालिसिस टाइप का भी हो जाता है और ये भाग जाता है तो बेटा ये इस तरह से अपना बचाव भी करता है बेटा इसमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट टाइप का होता है मतलब यहाँ पे कोई लार्वा आरवा देखने को नहीं मिलता अपने को इसमें जो सर्कुलेशन होता है बेटा वो क्लोज टाइप का होता है अब प्रश्न उठता है कि भाई इसको शैतान मछली क्यों बोलते हैं इसको डेविल फिश क्यों बोलते हैं ठीक है राइट करण right इसका जो बॉडी है बेटा वो हेड फुट और विसरल मास में डिवाइडेड होता है बट यहाँ पर होता क्या है बेटा जरा देखिए यहाँ पर जो है विसरल मास जो है और हेड वाला पोर्शन ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं क्लियर का डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं ठीक है क्लियर हो गया बेटा तो गायत्री राइट ऑल ऑल नहीं राइटिवेट्स तो गायत्री एक्चुअली सही स्टेटमेंट क्या होगा सही स्टेटमेंट ये होगा कि ऑक्टोपस इज द वेरी इंटेलिजेंट एनिमल अमोंग ऑल इनवर्टिवेट एनिमल जितने भी इनवर्टिवेट एनिमल्स हैं मैं लिख देता हूं ऐसा इंटेलिजेंट एनिमल अमाउर्टिवेट्स जितने भी इनवर्टिवेट एनिमल हैं उनमें सबसे ज्यादा जो चतुर होता है बेटा वो यही होता है ठीक है ठीक है क्लियर हो गया बेटा समझ में आ गया ठीक है अच्छा अब मैं बात कर रहा था बेटा इसको शैतान मछली क्यों बोलते हैं इसको डेविल फिश क्यों बोलते हैं जरा समझिए एक्चुअली बेटा होता ये है कि इसका माउथ बहुत ही छोटा होता है और शिकार बड़े बड़े कर लेता है तो अब क्या करेगा जो जिस शिकार को ये पकड़ता है उसको काट काट के छोटे छोटे पीसेस करके खाता है तो ये देखने में बहुत ही डरावना सा लगता है कि कोई भी इसने शिकार को पकड़ा उसको पकड़ के बारीक बारीक पीसेस करके ये खा रहा है तो बेटा इसलिए इसको क्या बोला जाता है डेविल फिश के नाम से जाना जाता है आ, करण क्या पूछ रहा है कि ऑक्टोपस कलर चेंज कर सकता है क्या राइट बेटा ऑक्टोपस की कई ढेर सारी वेराइटी जो होती है वो अपना कलर चेंज कर सकती हैं अपने आप को सराउंडिंग के अंदर छुपा सकती हैं ठीक है ठेके? तो ऑक्टोपस जितने भी इनवर्टिवेट एनिमल है उनमें सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है सबसे ज्यादा चतुर है बेटा उनके अंदर ये आई थिंक डेट ये क्लियर हो गया समझ में आ गया बेटा आपको ऑक्टोपस के रिगार्डिंग ठीक है कोई कंफ्यूजन नो ठीक है अब ऑक्टोपस के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल के बारे में ठीक तो नेक्स्ट एनिमल कौन सा है ऑक्टोपस के बाद देखिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा साथ लॉलीगो है उसको डिस्कस करते हैं इसको स्क्विड के नाम से जानते हैं मैं दो एनिमल को साथ साथ डिस्कस करूंगा एक तो लॉलीगो और दूसरा जो है कटल फिश जिससे कन्फ्यूजन ना हो तो अब बात करूंगा बेटा मैं लॉलीगो के बारे में गायत्री बहुत अच्छा कलर चेंज करने की एफिशिएंसी अपने आप को सराउंडिंग में मास्क करने की एफिशिएंसी दिस इज नोन एज द फ्लैग कोई भी एनिमल सराउंडिंग में अपने आप को मास्क कर लेता है बाय चेंजिंग कलर बाय चेंजिंग डिजाइन दिस फिनामिना इज नोन एज फ्लैग हाँ जी अब बात करेंगे बेटा हम बात करेंगे अब लोलिगो के बारे में और दूसरा बेटा हम बात करेंगे शैपिया के बारे में ठीक है पहले इनका शेप साइज़ देख लेते हैं कैसा होता है लॉलीगो को देखते हैं बेटा पहले लॉलीगो बेटा कुछ इस तरह का दिखाई देता है ऐसी दस आर्म होती हैं लोरिगो के अंदर ठीक है ना तो ये हो गया लोरिगो ये हो गया लोली को ठीक है अब बात करते हैं बेटा सेपिया के बारे में तो लोलीगो आई थिंक डेट आपने देख लिया अब बात करेंगे सेपिया के बारे में सेपिया ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते पर लोलीगो काफी बड़े होते हैं भी दस आम हैं ठीक है तो अब आप देखिए देखने में ये दोनों एनिमल एक जैसे दिख रहे हैं ना बेटा पर इन दोनों में फर्क है आप जरा ध्यान से देखिए आपको लोलिको की बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड दिख रही होगी ठीक है जबकि आप देख रहे हैं कि सेपिया की जो बॉडी है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड दिख रही होगी आपको तो लोलिगो की बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड और सेपिया की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड तो डिफरेंस आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है ना बेटा ठीक है अब इनके हम कॉमन नेम देख लेते हैं अच्छा बेटा लॉलिगो का जो कॉमन नेम है बेटा वो क्या है स्क्विड कॉमन नेम क्या है बेटा इसका स्क्विड ठीक है और इसका जो कॉमन नेम है सेपिया का वो क्या है कटल फिश बेटा लॉलीगो जो होता है बेटा एक्चुअली ये आपको जो है गर्म समुद्र के अंदर देखने को मिलेगा मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन सी ठीक है इसमें बेटा इंग ग्लैंड प्रेजेंट आर्म कितनी होती है इसमें टेन और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट ठीक है कटर फिश के बारे में बात करें बेटा तो कटर फिश भी जो है बेटा आपको ये भी वॉम सी में देखने को मिलते हैं इनमें भी जो है एक इंकलैंड प्रेजेंट होती है कटर फिश में भी टेन आर्म्स प्रेजेंट होते हैं कटर फिश में भी जो है आपको जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है इसके बाद बेटा दोनों के अंदर आपको Uh, क्या देखने को मिलेगा टेन आर्म्स हो गए क्लोज सिक्योरिटी सिस्टम प्रेजेंट डेवलपमेंट डायरेक्ट आपको दोनों में डेवलपमेंट क्या दिखाई देगा डायरेक्ट यहां पे भी डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद बेटा ये जो लॉलीगो होते हैं बेटा कई लॉलीगो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं स्क्विड कोई बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं तो ये लार्जेस्ट इन्वर्टिवेट है लार्जेस्ट इन्वर्टिवेट एनिमल बेटा ये काफी बड़े जो है इन्वर्टिवेट एनिमल होते हैं ठीक है तो जो बड़ बड़े बड़े टाइप के जो स्क्विड होते हैं उन्हें बोला जाता है बेटा जाइंट स्किट के, के नाम से जानते हैं उनको उन्हें बेटा हम जाइंट स्किट के नाम से जानते हैं बहुत ही बड़े बड़े साइज के होते हैं बेटा ये अच्छा इसके बाद बेटा इनमें इंटरनल शेल प्रेजेंट ये कैरेक्टर यहाँ पे भी देखने को मिलता है कटल फिश में भी देखने को मिलता है तो आई थिंक डेट दोनों के बीच का समझ में आ गया बेटा आपको ठीक है तो आपने क्या देखा लॉलीगो की बॉडी आपको दो पार्ट में डिवाइडेड दिख रही है और सेपिया की बॉडी आपको तीन पार्ट में डिवाइडेड दिख रही है बेटा इनकी जो आंख होती है वो देखने में लुक वाइज वाटिवेट की आंख की तरह दिखाई देती है तीनों एनिमल की कौन कौन से तीनों एनिमल की आए लॉलीगो सेपिया और हमारे ऑक्टोपस की आए ये देखने में किसकी तरह दिखाई देती है वर्टिवेट की आई की तरह देखने को दिखाई देती है बट ये डिफरेंट है वर्टिवेट की आई जैसी नहीं है देखने में खाली वर्टिवेट की आई जैसी दिखती हैं मतलब ये एक तरह के वाटिवेट की आई और इन एनिमल्स की जो आय होती है वो एक तरह के एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं कौन से स्ट्रक्चर होते हैं एनालॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिनके ओरिजिन डिफरेंट हो और ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जिनके ओरिजिन डिफरेंट हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट जिनके फंक्शन सेम हो इनको अपन क्या बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं तो याद रखने का कि इन एनिमल्स की आय और मैमल्स की जो सॉरी 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 वर्टिवेट्स की जो आय होती है एक ऐसी होती है ये जो है बेटा एनालोगस स्वर्गन होती है अच्छा लॉली को चूंकि सबसे बड़ा बेटा एनिमल है इन्वर्टिवेट एनिमल है इसका जो साइज होता है वो चौदह मीटर तक देखने को मिलता है पंद्रह मीटर तक देखने को मिलता है ये कार्निवोरस होते हैं समुद्र में मान लीजिए आप तैर रहे हो कोई जॉइंट डिस्किट आ गया तो वो आपको खा जाएगा पर ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि गहरे समुद्र में देखने को मिलते हैं उल्टा हम इनको खा जाते हैं ठीक है तो जॉइंट डिस्किट का बहुत शिकार किया जाता है इनको खाया जाता है इनका फ्रेश जो है वाइट कलर का होता है और खाने में ऐसा बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है ठीक है तो इनका काफ़ी शिकार किया जाता है सेपिया को भी खाया जाता है बेटा ठीक है ऑक्टोपस को जनरली नहीं खाया जाता है पर चाइना में वियतनाम में ऑक्टोपस को जिंदा खाना इट्स अ सिंबल ऑफ़ ब्रेवनेस ब्रेवनेस माना जाता है तो कई बार जिंदा खाने में ये गले से चिपक सकता है थ्रोट से चिपक सकता है ऐसे में पर्सन की मौत हो सकती है फिर भी वहाँ पर लोग इसको ज़िंदा खाते हैं ऑक्टोपस को इट्स अ सिंबल ऑफ़ ब्रेवनेस ठीक है करण का क्या डाउट है आर्म्स एंड टेंटाकल्स आर डिफरेंट और सेम बेटा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आर्म्स और टेंटाकल डिफरेंट होते हैं कि सेम होते हैं ये माइनर बेटा इसमें डिफरेंट होता है टेंटकल्स से कोई भी ऐसी बॉडी की आउटग्रोथ जो हेड रीजन पर प्रेजेंट है इसे अपन क्या बोलेंगे टेंटकल्स के नाम से जानेंगे और टेंटाकल्स का मेनली फंक्शन क्या होता है टेंटाकल्स केवल और केवल क्या करते हैं बेटा ये आ, ये जो है बेटा किसी भी एनिमल को कैप्चर करने का काम करते हैं पकड़ने का काम करते हैं ठीक है आर्म्स जो होती हैं इनका जो ओरिजिन होता है वो हेड रीजन के अलावा किसी अदर पार्ट से होता है और ये भी जो है ग्रेस्पिंग का काम करती हैं कौन आर्म्स ठीक है तो इस तरह से तो इनमें सिमिलरिटी है पर ये कहाँ से बॉडी में निकल रहे हैं इस आधार पर बेटा इनके बीच में डिफरेंस होता है मतलब इनका आर्म्स और टेंटाकल्स में मेन डिफरेंस यही है कि एंटा यू मस्ट रिम्बर टेंटाकल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन सिफेलिक रीजन और हेड रीजन बट आर्म्स जनरली प्रेजेंट ऑन अदर रीजन एक्सेप्ट हेड। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट्स टेंटाकल्स जो होते हैं ये केवल कैप्चरिंग ऑफ प्रे करते हैं जबकि या फिर ये टच रिसेप्टर होते हैं जबकि आर्म्स जो होती हैं बेटा ये टच रिसेप्टर कैप्चरिंग ऑफ ब्रे और इसके अलावा जो है बेटा ये अदर एक्टिविटी भी परफॉर्म करती है मतलब ये लोकोमोशन में और आर्बोरियल लाइफ में सपोर्ट कर सकते हैं एनिमल दिस इज द मेन डिफरेंस ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना इनफ समझ में आ गया होगा बेटा इन दोनों एनिमल में इंग्लैंड प्रेजेंट है हमने बात कर ली इसके बारे में तो बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर धन्यवाद